हेलो फ्रेंड, मैं हूं विवेक धेरी, इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंधरी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो यहाँ पे 73 ये डेसिमल नंबर है, इसका बेस एक्स है। 54 डेसिमल नंबर है और इसका बेस वाई है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए पहले एक कंडीशन देखते हैं। हम लोग का जो भी नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी नंबर है, इसका बेस जो है 2 है। ऑक्टल नंबर में 0 to 7 होता है और इसका बेस 8 होता है। तो बेस जो है हमेशा इससे ज्यादा रहेगा, इस डिजिट से बेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। डेसिमल नंबर है 0 to 9, इसका बेस है 10। तो ये बेस जो है ये ज्यादा है। तो वही कंडीशन होगा यहाँ पे, एक्स जो है 7 या 3 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है, एक्स ग्रेटर होना चाहिए 7 या 3 से, और वाई भी ग्रेटर होना चाहिए 5 या 4 से। तो यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है तो 5 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ 7 बड़ा डिजिट है तो एक्स जो है 7 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस तरह का नंबर को सबसे पहले हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग 0 1 लिख लेंगे, दोनों नंबर के ऊपर 0 1, ये पावर है। तो इसको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × x^1 + 3 × x^0 = 5 × y^1 + 4 × y^0। तो किसी भी डिजिट का पावर जो है 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे 1 हो गया और ये भी वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे 7x + 3 होगा इक्वल टू 5y + 4 होगा। तो 7x - 5y इक्वल टू आएगा इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू बैठा के देखेंगे। x का वैल्यू 8 अगर बैठाते हैं तो 7 × 8 = 56। अब 56 में -1 करेंगे तो आएगा 55। तो y का वैल्यू हो जाएगा 55/5। तो इसको अगर कट करेंगे तो 11 आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, y का वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर है और x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 8 लिए हैं तो ये भी 7 से ग्रेटर है। तो ये d वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।